इतनी ठंड लग रही है, देखो सब चुपक के बैठे पड़े। हमें सच में बहुत ठंड लग रही है, सब चुपक के बैठे। मैं नीचे लेटा हूँ। जादू अरुण बार बार नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, पर डीजे और मगरमच्छ कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्त ना करे, ना दे। अब ज्यादा ये भड़केगा तो दे देंगे। क्या यारा भाईचारा इंटाउन। अरुण ने लुक दिया ना मगरमच्छ को। दो प्रेमियों का जोड़ा, मिस्टर मिसेस प्रजापति। गारिंग टेक। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। अपने जानू को पकड़ के सो रही है। देखो हमारे शर्म के चेहरे कैसे लाल हो रहा है। कल तक एक वक्त था जब अरुण से घिन खाता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उसके ही पराठे खा के उसके ही गोटी पकड़ के बैठा है। डीजे तो इतना ज्यादा फोकस क्लोजअप में ले रहा है दूसरे के। दाल से। सारा अब इसके आगे क्या प्लान है पता नहीं, नुकसान हो जाएगा तेरा। इसके आगे प्लान क्या है? इसके आगे ना दाल से प्लान। अगली बार तो झाड़ी भी चक्कर में नहीं आऊंगा, जो भी है ना खुद के बल पे चलूंगा। पीछे यहाँ तो सुनने में आया 4.5 घंटे। इन लोग को रील दिखा के वो कर दिया मैंने इन्फ्लुएंस। देखा तुम लोगों ने लापरवाही का नतीजा, दूसरों से बालों में छोड़ रखा था। चूतियों के चक्कर में कभी मत आना। 2 किलोमीटर बोल के 75 किलोमीटर जाना है। चूतिया बना दिया सबको। मरवा दिया हमें। मैं इन लोगों को पहले मैं बोलता हूँ, मैं इन लोगों का सहारा लेके आया, पर आगे का प्लान मेरे को कुछ नहीं मालूम था। कि यहाँ से 4 घंटा लगेगा हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। अब हम फंस चुके। हरिश्चंद्रगढ़ के लिए तो हमें 8 घंटे लगेंगे। ट्रैकिंग भूल गया भाई। क्या साबित करना चाहता है तू भाई? ट्रैकिंग भूल गया मनीषा ने। तो हम अभी जा रहे हैं। तो मनीषा ने जो नाम रखा था उसका सही रखा था। मनीषा ने जो भी नाम रखा हो वो तो ठीक है, पर अभी हम इधर आके फंस चुके हैं, तो अभी हमारा प्लान बदल सकता है। हम शायद से नासिक भी जा सकते हैं। और हमारे भाई डीजे वो तो भड़क ही गए, वो तो स्टेशन से रिटर्न जा रहा था। दिमाग की अड़ी तो मैं यहीं से चला जाऊं। हाँ चला जाता है। डीजे ने तो डिसाइड कर लिया था भाई। ये हम यहाँ देख रहे हैं आगे हमारे पर इसकी बात सही थी। बाजू में आता है जिले में इतना 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 जो बोलते घोदड़ी के तुम वहां नहीं देख सकता था। ये
फिर को बोलता है 2-3 किलोमीटर का ट्रैकिंग, मुझे भी यही बोला। तो भाई मैं आपको एक ही, अरे सुनना, अरे वो बोल देता हूँ, तो भाई मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दोस्त बनाओ पर ऐसे चूके दोस्त मत बनाओ, सोच समझ के चेहरा दिखा पूरा, जब तक एकदम आप लोग का चार्ट ना बन जाए कि किधर कैसे, क्या बोलते आइटिनरी, नहीं आइटिनरी कहते हैं ना उसको, अबे जाने दे इतनी इंग्लिश समझेगा नहीं, इसको बोलते हैं लाइफ एंजॉय करो। तो अभी प्लान चेंज हो गया, हम जा रहे हैं नासिक त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखो ऐसे ही होते प्लान, प्लान्स तो होते नहीं है आपको किस कैसे कहा से आपको फोन का बुलावा है, आपको अगर ऐसी कांटेक्ट करना हो किसी और ट्रिप पर जाना, अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा महादेव का बुलावा है अचानक से, अपनी गलतियों को महादेव पे डालना कितना महादेव। ने वीडियो कॉल कर दिया, आ जाओ त्रिंबकेश्वर, चलो हम त्रिंबकेश्वर जा रहे भी, चलो भैया महादेव, मजा आया। हमारे सत्यम के, सत्यम सिंह ब्लॉगर है, ब्लॉगर सॉरी, वो भाई साहब अपनी गलतियों को महादेव का बुलावा कहते टाल रहे हैं, टालते रहे, पर महादेव कितना भी बुलाए वो तो ठीक है, पर ऐसे चूती इंसान पे विश्वास नहीं करने का। हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, बोलता जो इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ, तुम लोगों को मेरे मांग रहे हो, वकीलों से मांग। लेकिन हमारा ना हरिश्चंद्र गढ़ का कॉस्टिंग सुनिए, मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ, सर ने बाइफर्केशन दिया है, चलो चलो। कांदिवली से CST ट्रेन का 10 रुपए नहीं 20 रुपए, फिर वहां से ये CST से कसारा 35 रुपए, वहां से 50-50 रुपए शेयरिंग, ऐसा बताया गया, ऐसा बताया गया था। फिर वो शेयरिंग के बाद कैसा है, नीचे नाश्ता कर लो 200 रुपए प्लेट थाली, बेचारे हमारे डीजे को 700 में घर रिटर्न कर रहे थे, एक तो 300 रुपए लाया था और एक जन तो ये मगरमच्छ बिचारा 300 रुपए लेके आया, और उसमें भी बिचारे के 55 रुपए खर्चा होगा स्टेशन पे विमल में, क्लियर कर दे। चलो अभी जा रहे नासिक, ट्रेन से नहीं आएंगे अरुण आएगा। तो हम सब लोग बस में बैठ गए, हम जा रहे त्रिंबकेश्वर, हमारी ताते में चुप पीछे सो रहा है, देखो तात्या बिच्छू सो रहे हैं, वो तो सो ही रहा है भैया, कैसे क्या लग रहा है, और हम लोग आ गए त्रिंबकेश्वर मंदिर, चालू हो गया, अरे सत्यम जो अभी लेटेस्ट पाप किया तूने, इतने बड़े पापी है ये लोग, कुंड मैला कर दिए, कल वाले भी, कल भी तो किए होंगे कुछ, ये हमारे सत्यम बाबा नट बाबा। ये दोस्त ना अलग होते हैं दुनिया की भीड़ से, जमाना चाहे आपको सर आंखों पे बिठाए या दरकिनार करते अपनी नजरों से, पर दोस्त हमेशा वैसे ही रहते हैं। जिंदगी में तुम कुछ कमाओ या ना कमाओ, पर एक दोस्त जरूर कमाना, तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई होगी वो।